बोरागढ़ ओपी क्षेत्र के शिमला बहाल आदर्श नगर निवासी श्री प्रकाश सिंह के गैराज में शनिवार देर रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग की चपेट में आने से गैराज में खड़ी 6 बाइक जलकर राख हो गई, साथ ही गैराज के बाहर खड़ी मारुति कार को भी आग के हवाले कर दिया। सूचना पाकर आसपास के लोग जुटकर किसी प्रकार आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सभी वाहन जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार और बोरागढ़ ओपी प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही आसपास लोगों से पूछताछ की। घटना के संबंध में रागिनी सिंह ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में इस तरह की घटना कभी भी नहीं घटी। जब से सत्ता परिवर्तन आए दिन क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं घट रही है। आज तक जो भी घटना घटी है, किसी का भी प्रशासन ने उद्भेदन नहीं किया, फिर भी प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना को उद्भेदन करें, जो भी शामिल हो उस पर कार्रवाई करें। इस संबंध में एसएसपी से भी मिलूंगी। पीड़िता श्री प्रकाश सिंह ने कहा कि वे शनिवार की रात खाना सब परिवार सो गए थे, आग कब लगी पता नहीं चला, स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। जब तक हमें पता चला तब तक पूरा स्वाहा हो गया था। इधर सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक लिखित शिकायत नहीं दी गई, आगे की कार्रवाई चल रही है। सूचना मिली थी गैराज में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, फिलहाल जाँच चल रही है। झरिया से आरपी भारत के लिए सिंधु कुमार की रिपोर्ट। खाना उन्हें खा के सोए हुए थे, रात में कब आग लगा पता नहीं चला, जब आग लग गया तो मोहल्ला का आदमी आके जगाया, तो हम लोग जाने, उसके बाद बुझाने में सब आदमी लग गया। आगजनी में कितना संपत्ति का नुकसान हुआ? क्या बोल रहे हैं, कितना संपत्ति का नुकसान हो गया? संपत्ति 2.5-3 लाख रुपए का। क्या क्या जला? 6 बाइक जला है और मारुति कार भी जला हुआ है। किसी पर शक है? किसी पर शक भी है क्या? क्या किसी पर शक है? शक किस पर करेंगे? शक तो करने का कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन घटना तो हुआ है, कोई ना कोई तो किया ही है। और ये भी है कि यहाँ बाहरी कोई नहीं आ सकता है, यहीं का कोई है जो इस काम में है। अभी प्रशासन पहुंचे हैं तो क्या उम्मीद लग रही है? प्रशासन पहुंचे तो क्या उम्मीद लग रहा है? और प्रशासन से तो बात हुआ, वो लोग बोले कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो खुद हम ही लोग से पूछ रहे हैं कि शक है तो किसी पर बताइए, तो हम लोग किस पर शक जाहिर करें? अभी तक लिखित आवेदन दिए, लिखित आवेदन थाना में दिए हैं, अभी देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्री प्रकाश सिंह। दुर्भावना के व्यवहार से ये लग रहा है कि हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग भी देखे हैं कि बाइक को जलाया गया, एक एक करके जलाया गया है, जबकि इस मोहल्ला में आज से पहले कभी ऐसे घटना नहीं हुआ है। इस मोहल्ला में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पिछले 30 सालों से 40 सालों से कभी कोई ऐसा घटना करने का हिम्मत नहीं था, जो आजकल जो 2-3 सालों में लगातार कुछ ना कुछ इस मोहल्ला में होते रह रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की हमारे लिए बात है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है लगातार, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही है, घोर लापरवाही है। और मुझे लगता है कि अभी आए हैं डीएसपी साहब भी आए हैं, सुने के कुछ प्रशासन भी आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इसमें जांच पड़ताल होगी, क्योंकि आज तक तो जितना भी झरिया में अपराध हुआ है तो कोई चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है, नहीं निष्पक्ष जांच हुआ है। तो आगे भी हम वही उम्मीद रखते हैं, अगर हो जाती है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस मोहल्ला में अगर हो जाना ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम लोग लगातार इसको प्रयास जारी रखेंगे और प्रशासन पर उम्मीद रखते हैं। एसएसपी साहब से भी हम बात करेंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। कल के दिन कोई भी सोया रहेगा, आज बाइक जलाया गया है, कल किसी के घर में अपराधी जाकर जला दे, किसी के घर पे पेट्रोल छीट दे, ये तो बहुत बड़ा मतलब प्रशासन के लिए चुनौती है और शर्म की बात है। तो प्रशासन रहते हुए इतना बड़ा बड़ा घटना हो जा रहा है झरिया में, ये बहुत बड़ा मतलब शर्म की बात है। तो हम लोग प्रशासन पे उम्मीद रखते हैं, देखते हैं आगे कि क्या जांच हो रही है, लेकिन अभी तक तो जितना भी घटना हुआ है अभी तक कहीं कोई जांच नहीं हुआ है, ना ही कोई घटना का निष्पक्ष जांच होती है। तो हम आगे उम्मीद रखते हैं, एसएसपी साहब से गुहार लगाएंगे। रात में सुबह में सूचना मिला कि कल रात में कोई असामाजिक तत्व के द्वारा घर के बाहर
खुले गैरेज में गाड़ियां खड़ी थी, उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया है, उसी के सिलसिले में जांच पड़ताल में आए हुए हैं। सब पीड़ित परिवार द्वारा क्या लिखित आवेदन दिया गया? अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है उनके द्वारा, उनसे बात हुई है, वो लोग जल्द ही लिखित आवेदन देंगे, फिर हम लोग की कार्रवाई चालू है, जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। क्या सर उसने बताया किसी पे शक? अभी किसी पे तो घर वालों के द्वारा किसी के द्वारा शंका का नहीं व्यक्त किया जा रहा है, बाकी उनको बोला गया कि अगर आप फ्यूचर में कुछ पता चलता है तो बताएं, बाकी हम लोग अपने स्तर से जो पुलिस का जांच होता है वो हम लोग कर रहे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।